दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिजली के मीटर के बारे में। दोस्तों बिजली का मीटर हम सभी के घरों में लगा हुआ होता है, लेकिन हम में से दोस्तों बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बिजली के मीटर के यूनिट को चेक करने का सही तरीका मालूम होता है। इसलिए दोस्तों आज हमने तय किया है कि आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए, बिजली का मीटर कैसे चेक करें। वैसे हम सभी को बिजली मीटर में यूनिट चेक करने का प्रोसेस दोस्तों पता होना चाहिए। यदि दोस्तों हमें इलेक्ट्रिक मीटर की यूनिट दोस्तों हमें चेक करनी आती है, तो हम अपने घर में दोस्तों आने वाले बिजली के बिल को चेक कर सकते हैं और बिजली की खपत को समय के अनुसार दोस्तों कंट्रोल भी कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो दोस्तों इलेक्ट्रिक मीटर की बिजली यूनिट कैलकुलेट करना, मीटर में यूनिट देखना बहुत ही आसान है। बस आपको दोस्तों इसके देखने की सही प्रक्रिया पता होनी चाहिए। दोस्तों आप वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहें ताकि दोस्तों आपको पूरी जानकारी है वो बिजली के मीटर के बारे में मिल सके। दोस्तों आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और दोस्तों साइड पे जो बेल आइकन है उस पे जरूर प्रेस करें ताकि दोस्तों आने वाला जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहले दोस्तों आप देखेंगे जो इसका पुश बटन है, वो जो उंगली से मैं प्रेस कर रहा हूँ उसमें देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे पहले इसको सेट करेंगे दोस्तों हम मीटर की जो है जो 00, यानी दोस्तों डिस्प्ले पर पूरा 00 ही दिखाई देगा हमें। उसके बाद दोस्तों अगर दोबारा हम प्रेस करेंगे उस प्रेस बटन को, तो दोस्तों इसमें मीटर नंबर ये शो हो रहा है, यानी दोस्तों आप नीचे मीटर नंबर मिला सकते हैं, ये मीटर नंबर है। उसके बाद दोस्तों मैं दोबारा इसको प्रेस करता हूँ तो उसके बाद आती है दोस्तों इसके अंदर तारीख, जिस तारीख को हमने रिकॉर्ड की है वो तारीख आ रही है। उसके बाद दोस्तों हम प्रेस करते हैं तो वो आती है दोस्तों मैक्सिमम डिमांड लोड। उसके बाद दोस्तों हम जब प्रेस करेंगे दोस्तों इसके अंदर आएगी रीडिंग, यानी दोस्तों क्या रीडिंग चल रही है ये दोस्तों KWH में शो करेगी। ये जो KWH है दोस्तों वो रीडिंग है, यानी जो आज की जो रीडिंग है वो क्या रीडिंग है। जैसे दोस्तों इसके अंदर है 80-36 KWH, यानी दोस्तों आज तक जो रीडिंग है वो इतनी है। दोबारा प्रेस करेंगे तो उसके बाद आएगी जो 80-25, ये जो रीडिंग है दोस्तों क्या है, जैसे ये महीने की रीडिंग होती है, यानी एक महीने की, जो महीने की जब दोस्तों एक तारीख आती है तो उसमें क्या रीडिंग है चेंज हो जाती है, और जो एक महीने तक ये जो रीडिंग होती है वो इसके अंदर शो करती रहती है। ये जो दोस्तों जो 80-25 रीडिंग है ये अगले दो महीने की जब एक तारीख आएगी उस समय तक ये दोस्तों हमें शो करती रहेगी। उसके बाद ये आएगी दोस्तों MD, यानी जो दोस्तों पिछले महीने इतना लोड इस मीटर के ऊपर चला था IS। उसके बाद दोस्तों दोबारा हम प्रेस करेंगे तो इसके अंदर आ रही है वोल्टेज, ये दोस्तों है वोल्टेज जो करंट में मौके पर जो कितनी वोल्टेज घर के अंदर कितनी वोल्टेज जा रही है, और ये दोस्तों है। इसके बाद प्रेस करेंगे तो ये लोड एम्पियर, ये साइड में दोस्तों ए दिया हुआ है, इसका मतलब है एम्पियर, यानी कितना लोड फिलहाल मौके पर चल रहा है। उसके बाद दोस्तों ये जो है 0.115 किलोवाट, यानी दोस्तों ये है लोड, यानी कितना लोड है हमारे चल रहा है, यानी कितने जैसे किलोवाट है, यानी 0.115 किलोवाट, इसको हम दोस्तों वाट में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 115 वाट लोड चल रहा है। उसके बाद दोस्तों हम दोबारा इसको प्रेस करेंगे, इसके अंदर जो शो हो रही है वो है पॉइंटों के अंदर जो रीडिंग KWH में। उसके बाद आ गई है तो इसी तरह से दोस्तों हम जो मीटर की रीडिंग चेक करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर जो हम बार बात करते हैं दोस्तों, ये 6400 प्लस लिखा हुआ है, यानी दोस्तों इसके जो डिस्प्ले जो 6400 का मतलब है दोस्तों, जब ये जो इसका इंडिकेशन है, यानी 6400 बार जब चलेगा दोस्तों, 6400 बार पूरा चलेगा उसके बाद दोस्तों एक यूनिट ये जो मीटर है वो दर्शाएगा। इस पे दोस्तों ये जो ऊपर है दोस्तों MRI का ऑप्शन, यानी इससे क्या है पूरा डाटा ले सकते हैं भी डिपार्टमेंट का, जैसे मीटर है तो वो दोस्तों डायरेक्ट है इसके, इसकी जो रीडिंग है वो इससे जो इसका पूरा डाटा है वो दोस्तों इसके ऊपर लगा के वो ले सकता है। ये दोस्तों इसके ऊपर जो मीटर के ऊपर देखते हैं दोस्तों, तो ये HPL की ब्रांडिंग दी हुई है, ये कौन सी कंपनी का मीटर है। और ये दोस्तों नीचे शो है जैसे लोड, ये दोस्तों मेन साइड ये जाएगी इसके अंदर से, और ये वापस लोड से होते हुए हमारे घर में सप्लाई जाएगी। दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि दोस्तों आने वाला जो वीडियो मीटर से और भी दोस्तों आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप दोस्तों इसको जो वीडियो के दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।